यहाँ से बूट गया भाई पानी। चलते भाई एजेंसी के अंदर, देखते हैं क्या माहौल है। मैं आया हूँ पहली बार एजेंसी के अंदर। ये बार टायर फाइनल कर दिया भाई, टायर में आगे वाले पहियों के लिए भाई, नया टायर आ गया डलने के लिए। तो फाइनली गाइस, ये बार टायर बढ़ चुका है, ये बार टायर बढ़ चुका है, नया टायर टूल चेक करा रहे हैं। मान जी, राम जी का आशीर्वाद लेते हुए। ये भाई ढक्का प्लेट जाम, ढक्का लगाना पड़ा मुझे भैया जी, स्टार्ट है ना। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, आगे आप सब बढ़िया होंगे। और कल रात को मैं दिल्ली से आया था अपनी गुआ के घर से। आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा देख लीजिएगा। और रात को आया था, रात को सो गया था, बहुत लेट हो गई थी ट्रेन, 10 बजे करीब हम अपने घर पर आए थे। बहुत सफर में थक गए थे, बहुत 5 घंटे का लंबा सफर था। आज तक मैं सो गया था। तो आज मेरा नकली वाला हैप्पी बर्थडे है, इसलिए मैं फ्रिज में केक रखा हुआ है, नया कब का। आज हम केक काटने वाले हैं। ये रखा हुआ फ्रिज में केक, फटाफट से निकालते हैं। पूरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ अकेला हूँ मैं, सारे लोग बाहर है कुछ है। या इस पर लिखा हुआ है साफ साफ हैप्पी बर्थडे। ओ आधा केक तो इन लोगों ने पहले ही खा लिया है, सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है। थोड़ा नहीं, आधे से ज़्यादा है। कोई नहीं, हम तो आधे से ज़्यादा हैप्पी बर्थडे बना लेंगे अपना। कोई नहीं, फटाफट केक को बाहर निकालते हैं, चम्मच से काटते हैं केक को पहले, क्योंकि चाकू तो हमारे पास है नहीं। हैप्पी बर्थडे टू मी, केक मैंने काट लिया है। तो गाइस, हमारे घर के बाहर डीजे बज रहे हैं, हम घर के अंदर क्या करते हैं, प्रॉब्लम चलते हैं डीजे देखते हैं बाहर डीजे किस लिए बज रहे हैं। अरे तो फाइनली गाइस, फावड़ा लेके मैं आज को अपने खेतों की तरफ। 3 दिन बाद मैं दिल्ली से घर पे आया हूँ। दिल्ली में तैयारी और नातियारी मारने के बाद पापा से हम अपने खेती बाड़ी में आ चुके हैं। और यहाँ पे हमारे खेतों में परिवर्तन चल रही है, और माई गोड दूसरे खेत में पानी फूट चुका है। यहाँ से फूट गया भाई पानी, और ये पानी आ रहा वहाँ से। ये पानी तो वैसा मैंने एकदम रोक दिया है, और चलते आए के लिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ पानी यहाँ कहाँ से रहा है। तो यहाँ से आ रहा है पानी, ये पीले पे आपसे होता हुआ यहाँ पे बड़ा से होता हुआ सीधा जा रहा है हमारे घर के पीछे जो खेत है ना, साथ भैया वहीं से वहीं पर आ रहा पानी है। और आज मुझे एक नया काम मिल चुका है, जो कि है बाहर वाले कमरे में जहाँ पर मैं सोता बैठता उठता हूँ, उसे पोंछा लगाने का। मम्मी ने बोला अपना कमरा तो खूब अपने यहाँ पोंछा लगाओ। पूरी नाक बहने वाली है, सिर्फ थोड़ी सी बची हुई है वहाँ पर। और मैं यहाँ चप्पल और पावड़ा हाथ में लेकर पूरे खेत में घूम जा रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा पानी फूट गया था ना, उस पानी को मैं रोक दिया है। आप नज़दीक से दिखाता हूँ पानी रुका कि नहीं रुका अभी। पानी देखिए पूरा रुक चुका है। इस बार लगभग सिर्फ इतना सा खेत बचा हुआ भरने के लिए, वहाँ से पूरा भर चुका है, सिर्फ ये रह गया है। तो दोस्तों, खेत से घर आके नहा धो के, वो बगैर नहा धोए अभी अब बारी है घर में पोंछा लगाने की अपने वाले कमरे में। या बाल्टी भरी आ रही है, टोंडी से बड़ा बाल्टी उठाते हैं, पोंछा लगाते हैं, नहाते धोते हैं, दूसरे कपड़े पहनते हैं, बस स्टिप टिप करते हुए पानी को बंद करते हैं, खत्म। अपनी बाल्टी को उठाते हैं, शुरू अपने चिकनी चमेली कमरे के अंदर, वहाँ से वहाँ तक सारे पोंछा लगा डालूंगा मैं पूरे घर में ही फटाफट। अभी हमारे खेत में पानी चल रहा है, खेत पूरा भर नहीं पाया है, और हम जा रहे हैं ट्रैक्टर को लेके एजेंसी के लिए। मैं तो वाली आऊँगा रोटी खा रहे वास्ते। चलो ये जी हमारा खेत जो कल से पानी चल रहा है, भर नहीं पाया है, कल उसमें नाका पानी चल रहा था, इस वाले चल रहा है, इस तक खेत बचाओ भरने के लिए अभी, क्योंकि शाम तक या कल तक भर ही आएगा। और हम इस ट्रैक्टर को लेके जा रहे हैं एजेंसी के लिए, कुछ किसी को तकनीकी खराबी आ चुकी है। तो फाइनली गाइस, ट्रैक्टर लेके मानपुर के लिए पहुंच चुके हैं। अब हम जाने वाले सारा के लिए मानपुर से ही बहुत आगे। फ्लाईओवर तो उधर रह गया, मानपुर उधर रह चुका है, हम जा रहे हैं इधर। उधर पड़ेगा सादाबाद, सैपऊ, आगरा, फलाना, ढमकाना, बहुत बहुत बम्बा तो पूरा सूख गया यार, पूरा बम्बा सूखा पड़ा हुआ है। तो
गया था। अभी हम पहुंच चुके हैं सैबू चौराहे पर, ये चौराहा इधर और इधर, यहाँ पे चार व्यवस्था भी है। इसको चौराहा बोलते हैं सैबू का। इतना रोड खराब हो रहा है, इसलिए बैठा भी नहीं चला जा रहा है गाड़ी कर। तो फाइनली गाइस अब आ चुका बढ़िया रोड, और हमने टायर की रेसी बढ़ा दी बहुत ज़्यादा। ये रोड क्या चका चका क्या हुआ? तो गाइस पहले बड़ा मुंह बांध देता अच्छी तरीके, इसलिए नहीं इसलिए नहीं बांधा मैंने तो बांध रखा है कि अब गाड़ी ना उठने वाली है, सिर्फ बढ़ सकते हैं इससे। ये मौसम होता है गारा रोड बढ़ने का। लघु बांधे पैक करते हैं, जैसे बढ़ाते हैं और जाँच को उड़ाने के लिए शुरू करते हैं। ब्रेकर 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 ये ट्रक भी आ गया भाई। और यहाँ पे गंदा नाला खतरनाक वाला जागो वाला देखो भाई साहब, जाग कितने हैं हमें जान दिखो ऑटो है और इतना कछू ना है। यहाँ आए हैं भाई हम इसलिए इसके अंदर रखे हो बाहर आके इकट्ठे उनको चलवाने के लिए। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं सादाबाद चौराहे पर। ये सादाबाद का बहुत बड़ा बाजार है और हमें जाना है इधर की तरफ अलीगढ़ वाले रोड पर। ये रोड जो अलीगढ़ वाला है और यहीं पर इधर की तरफ एनजी है फार्म टेक की। हो गया भाई क्लियर हो गया, निकल ले हम एनजी के लिए। ये लोग कितने भांडे खड़े हुए यहाँ पर, सिर्फ फार्म ही फार्म, और ये भी है एक फार्म। चलते भाई एनजी के अंदर देखते हैं क्या माहौल है। मैं आया हूँ पहली बार एनजी के अंदर, मैसी फार्म टेक फार्म टेक फार्म टेक और ये बहुत सारे फार्म टेक। तो भाई कितने छोटे दिक्कत तो भरा भैया ने भी 45 और यही 45 जो 16 के 14 के टाटा भर जाता है आगे भैया अंतिम हो तो बढ़िया। आगे भैया जितने चौड़े हुए तो मस्त टाटा लगता है। दे रहे ये कितना छोटा भैया, ये कितना बड़ा भैया है, टेढ़ा दोनों बराबर के हैं फिर भी। यहाँ शायद टेढ़ा पावर स्टीयरिंग खड़ी हुई है, सिर्फ इसमें पावर नहीं है शायद, जामना पावर की। हाँ जी है सादा स्टीयरिंग में, सब सादा स्टीयरिंग में ऐसा होता है जो कि इसमें है, और पावर स्टीयरिंग में ऐसा होता है जो कि इसमें है। जो इसमें पावर स्टीयरिंग होती है ना बहुत आराम से ईजिली मिल जाती है। पर यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ नहीं है वो है 4x4। यहाँ पर एक भी टेढ़ा 4x4 नहीं खड़ा हुआ है, सिर्फ 2 व्हील ड्राइव में है, 4x4 नहीं है। 4x4 होता तो अलग ही मज़ा आता। यहाँ भाई एनसीयू नंबर आना बहुत मुश्किल है, कल की बोल रहे हैं कुछ बोल रहे हैं 5 घंटे बाद 4 घंटे बाद भाई, कुछ लोग जा रहे हैं अपना टायर लेके। सबसे बढ़िया टायर टायरों से रखते हैं, देखिए ये बच्चा टायर है ऐसा टम्पू है, टम्पू टम्पू का टायर है ना भाई। जा टायर देखिए और जा टायर कितना फर्क है, चीतर के यहाँ मिल जाए वो और बोलते हैं फॉरेस्टी इतना चार घंटी वाला लेना है बस, उसमें बैटरी की सेफ्टी और सेल्फ की सेफ्टी बेहतर रहे वो। टायर देख लूँ टायर कल आगे भाई टायर भरवाएंगे। यहाँ भाई मैं जाऊँ टायर पर आए नहीं भैया डालने घुमा घुमा के। हाँ ये वाला टायर फाड़ने कर दिया भाई टायर में आगे वाले पहियों के लिए, ये नंगे टायर पड़ने की बारी आ चुकी है भाई। भाई नया टायर आगे डालने के लिए पूछ ले करूंगा जो बात पर। तो फाइनली गाइस ये वाला टायर पड़ चुका है, ये वाला टायर पड़ चुका है, अब बारिश हुई इसमें हवा डलवाने की। इतने झोटे टायर लग रहे हैं देखे हुए थे, इसमें भी आलू जा रहे हैं जस्ट मिस। यहाँ तो भैया लाइन लग गई है तो तंगड़ी भाई, जब हम आ गए तो बहुत कम टेट रहे तो लाइन लग गई वहाँ तो भीतर तक जहाँ तो नहीं जा वहाँ तो सिर्फ फार्म ही फार्म दिख रहे हैं। इतने फार्म टेक ये फार्म टेक ये फार्म टेक इतना फार्म टेक। चलो भीतर देख के हमें भाई नंबर तो लगा गया ना वहाँ।
चलो भाई चलने अंदर देखने के लिए, बहुत तगड़ी जान लगी भैया। देखियो जाओ जी का वो नौ खसको दी है पहले से 35 हुए हम में 60 जल्दी से चल रही है। डंपर ढिल दिया वैसा यहीं पे डंपर यहाँ ढिल दिया है और ट्रैक्टर को हम भी अपने वापस अपने लाड में लगा रहे हैं। अब यहाँ से कुछ ट्रैक्टर कम हो गए ना, यहाँ से भी कुछ चले गए, सब कुछ हो गए, इसलिए मैं ट्रैक्टर से अंदर घुस चुका अभी। नया ट्रैक्टर टूल चेक करा रहे हैं, नौ ट्रैक्टर में नौ सामान सब रहो, चतुर तैयार कर रहे हैं भैया। जय ट्रैक्टर सारे पावटे 50 में चतुर तैयार हो रही है वहाँ पर। ऐसा नंबर आया शाम के 4 बजे सर्विस का, जैसे वो तो जैसे हम तो घूमने के लिए चले गए थे ट्रैक्टर लेके, अभी आए हैं ट्रैक्टर लेके, आते नंबर मिल गया। तो गाइस ट्रैक्टर को सर्विस में देने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, घर से खा के आए थे, तो घर जाके खाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, इसलिए हम जा रहे हैं। लगा दी मुझे एक प्लेट, एक और एक दो आगे बस छोले कुलचे, छोले कुलचे खा के मुँह धो के वापस से हम एजेंसी के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे पास में एजेंसी है वहाँ टेक क्या ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। छोले कुलचे काफ़ी लाजवाब और बढ़िया थे, छोले कुलचे कैसे थे दूसरों की राय लेता हूँ। बढ़िया थे आज छोले कुलचे, बहुत बढ़िया थे, हमें चमक रहा हूँ ना मुँह धोने के बाद, क्योंकि अब थोड़ा काला सा हो गया था जब उधर से गया था, आज नहाना धोना तो हो नहीं पाया है क्योंकि समय नहीं मिला नहाने का। अब चलते हैं बढ़ावा से फार्म टेक की एजेंसी, फिर से हम आ चुके हैं भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, और मैं आपको और नई नई तरह की माताएं दिखाता हूँ जो कि आगे हैं। हनुमान जी राम जी का आशीर्वाद लेते हुए, मथुरा वाले कृष्ण जी तो ये तो मैंने पास वाले हैं, ये तो नज़दीक वाले हैं ना अपने, ये भाई गणेश जी शिव जी वहाँ हैं और गणेश जी यहाँ हैं, ये भाई शेरा वाली माता आशीर्वाद, सारी माता का आशीर्वाद इस रोड पर है क्योंकि रोड खतरनाक है, भीड़ भी चलती है, यहाँ से ना भी ट्रैक्टर में टायर डलवाए थे, और ये नहीं फार्म टेक की एजेंसी नए ट्रैक्टर के लिए डिलीवरी के साथ। मस्त डिलीवरी ताऊ मिलेगी, ये फोटो भगवान जी की चांद टॉप गियर में होगा। हमारा वाला ट्रैक्टर तो बस कल मिलेगा, आज नहीं मिल रहा है, और जो अभी यहाँ पर डिलीवरी हुई है ना नई ट्रैक्टर की, आपने वीडियो देखी होगी, वो हमारे गांव के नज़दीक वाले गांव के ही हैं, हमने ना उनसे लिफ्ट मांगी यहाँ पर घर तक की, उन्होंने मना नहीं किया कि नया ट्रैक्टर है, कोई मना कैसे थोड़ी नहीं करता है। सर जी निकल गए बाहर, सर जी उतर गए स्कॉर्पियो से विधायक साहब। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने घर के लिए ट्रैक्टर से स्कॉर्पियो में और स्कॉर्पियो से स्कूटी पे, देख रहे हो कितनी तरक्की हो रही है हमारी, ट्रैक्टर से स्कॉर्पियो में आए, स्कॉर्पियो से स्कूटी पे आ गए, ये ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं जो कि स्कूटी चला रहे हैं। रात का नियर देना लेफ्ट को मोड़ देना, स्कूटी का यही नियम होता चलाने का, साथ तुमको पता हो या ना पता हो। तो फाइनली गाइस अब हम पहुंच चुके हैं मानपुर के लिए, अब मानपुर से महागाम सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, ये एजेंसी हमारे यहाँ है, ये रही भाई मैसी की एजेंसी जहाँ पे महा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, इसको हम लेके जाने वाले हैं, ये तो वो है हिंदुस्तानी जो भी सबसे कराते हिंदुस्तानी की, इसको लेने के लिए। ये भाई ढक्का प्लेट जहाँ ढक्का लगाना पड़ा मुझे, भैया जरा स्टार्ट है रो जब कटर आएगी तो लगा आएगी मिस्त्री दुकान पर स्टार्ट है रो बेकार है। जिना स्टार्ट है रो भाई ये तो कटाना पड़ेगा, वो तो मिसो दम भर गई मिस्त्री जिना स्टार्ट है रो।
बैटरी हथे नहीं है। ये बैग में नहीं होगा। ना स्टार्ट आ रहा है, ये तो कटाने पर रहो तो। मिस्त्री लगा रहा है, स्टार्ट नहीं आ रहा है। तो मिस्त्री बोला था हमका कौन सी खेती मूली है? खेता के मूली? ना कटन दियो मिस्त्री आओ। चलो। 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 आओ 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 बच्चों बच्चों। तो मैं बैंड करने शुरू हो चुका है। रवाई कर रहे यार, इशारा हो चुका हमारा तो यार। ताकि सब सब ने धक्का लाओ मेरे को, इशारा हो गई फाइनली। लो जी भाई साहब आ गया यार ट्रैक्टर, और मेरा स्कूटी से पीछे पीछे स्कूटी। अभी हमने जो धक्का मारा था इशारा के, तो वही है मैं भी।